रायगढ़ जिले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। रायगढ़ जिले में महिलाएं समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में जिले की महिला स्व सहायता समूह महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाकर स्वयं की कलाकारी से निर्मित वस्तुओं की बिक्री की। वहीं जिला कलेक्टर भीम सिंह स्वयं इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर समूह की महिलाओं को उनके कार्यों की प्रशंसा की। रायगढ़ जिले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हैं। जिले में महिलाएं समूह बनाकर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य घरेलू ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने प्रेरित भी कर रही हैं। स्व सहायता समूह के द्वारा महिलाएं बैंकों से लोन लेकर अपना व्यवसाय चला रही हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा और कला को निखारने के साथ में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती भी मिल रही है। जिले की ऐसी ही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाकर स्वयं की कलाकारी से निर्मित वस्तुओं की बिक्री की। जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले की महिलाएं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। दीपावली त्योहार को देखते हुए जिला पंचायत CEO ने स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने की पहल की, ताकि इस प्रदर्शनी के माध्यम से समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री हो और महिलाओं की आमदनी में इजाफा हो। जिला कलेक्टर भीम सिंह स्वयं प्रदर्शनी का अवलोकन करने समूह की महिलाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से उनके कार्यों की जानकारी ली एवं महिलाओं की कलाकृतियों को देखकर काफी प्रभावित हुए। स्टॉल में ऊन व धागों से बने घरेलू साज सज्जा के सामान, कपड़ों से बने बैग, गोबर व मिट्टी के दिए आदि सामानों के साथ महिला स्व सहायता समूहों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन की बिक्री समूह की महिलाओं ने की। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वह समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी में आएं और जिले की प्रतिभावान महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सामानों की खरीदी कर इस दिवाली को मनाएं। हाँ सर, मतलब हम लोग ये सब समूह वाले हैं, मिलकर अपने हाथ से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और अभी दीपावली के ऑफर में हम लोग यहाँ स्टॉल लगाए हैं। क्या क्या सामान है आप लोग बेच रहे हैं आज? हम लोग के पास में अभी रंगोली है और गोबर मिट्टी से दिया भी है, बत्ती भी है और वो सैनिटरी पैड भी रखे हैं और पर्स भी रखे हैं और ये है बेल मेटल वाला है, उसको भी हाथ से ही बनाते हैं। तो आप लोग ग्राहक आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, अभी हम लोग का कम से कम लगभग 4000 का यहाँ तो बिक्री हो गया है। कब तक लगाएंगे स्टॉक? ये आज शाम तक ही है, 5 बजे तक। सर बोल रहे थे कि अब अगले मंगलवार को और स्टॉल लगाएंगे करके। हाँ, आज जिला पंचायत CEO के मार्गदर्शन में बिहान के सब हमारे SSG की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर विभिन्न टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, साथ में एकताल गांव के कारीगर जो हैं हमारे, उनके भी प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि इस दिवाली के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पर आएँ, इसको विजिट करें और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो समूह के द्वारा बनाए गए हैं, तो सभी आएँ, देखें और इनको ज़रूर खरीदें। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।